back to Chumania. This is Ruchi. Thank you so much for coming. Here I am with my next video, and in this video I'm gonna do a reading vlog. So I really wanted to do something very different, and I thought of why not a reading vlog. So I've started this. So I hope you like it. So without any further ado, let's get into the video. Ta-da! So it's 14th of February, 12:04 PM, and I'm gonna start the book. This one that is called How I Brave Anu Aunty and Co-Founded a Million Dollar Company, a true story by Varun Agarwal. I'm very excited for it. So I am trying ki main kal sham tak ye book complete kar do. The book is 204 pages long. So let's see, I'm gonna start now. So ta-da. Of starting a t-shirt business, and they were searching for the people who are gonna manufacture the t-shirts. So वो लोग उन सारे alumni के लिए t-shirts बनाना चाहते हैं, उन सारे colleges school के लिए t-shirts बनाना चाहते हैं जिनके alumni बाद में as a merchandise पहने. So merchandise का business start करना चाहते हैं, and they were searching for the people who can manufacture their product. और वो दो तीन जगहों पे जाते हैं. सो मुझे एक चीज़ याद आई, आई थिंक अ ईयर और टू ऑन 17th of April वरुण धवन मूवी कलंक वॉज गॉन रिलीज, एंड वो सॉन्ग था ना बाकी तो फर्स्ट क्लास है. सो आई लव दैट सॉन्ग एंड आई वॉन्टेड टू मेक अ टी शर्ट ऑफ द सॉन्ग. तो मैंने जैसे इस बुक में मेंशन है कि उसने जस्ट डायल से कॉन्टैक्ट्स निकाले थे मैन्युफैक्चरर्स के, मैंने भी जस्ट डायल से कॉन्टैक्ट निकाला था मेरी फ्रेंड के साथ. आई थिंक कोलकाता में ग्रीश पार्क में वो स्टोर था, दैट वाज अ वेरी स्मॉल टाइनी स्टोर. वहाँ जाके मैंने वो टी शर्ट बनवाया था, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, एंड आई स्टिल हैव दैट टी शर्ट नॉट हियर इन हॉस्टल. So I suddenly, I don't know, while I was reading it, I just got reminded. So I wanted to share it with you guys. So yeah, let's see when I'm gonna complete the book. Also has a keen interest in reading, that is great. कहीं ना कहीं ये प्रूव हो रहा है कि सब लोग बुक्स पढ़ते हैं, इवन एंटरप्रेन्योर यू शुड ऑल्सो रीड. सो ही वॉज रीडिंग दिस बुक ऑफ स्टीव जॉब्स जो मैं रोज़ मार्केट में देखती हूँ, बट मैंने तो हिम्मत ही नहीं होती उसको खरीदने की. नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, मे बी बिकॉज ऑफ मनी ऑल्सो, बट वो बहुत मोटी है यार, बहुत मोटी है. मुझे लगता नहीं है मैं कब तक ख़त्म कर पाऊँगी. मेरे पास इलॉन मस्क की रखी हुई है, मैं दो चार पेजेस, आई डोंट नो द क्वान्टिटी, इज़ लाइक बहुत बड़ी बुक है. सो एनीवेज मैं फिर से भटक गई. तो बेसिकली उन्होंने बुक पढ़ी थी, उन्होंने बताया था कि स्टीव जॉब्स ने अपने जब एप्पल स्टार्ट किया था, देन देयर वाज टू पर्सन हु हैव स्टार्टेड एप्पल, दैट वाज स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजिनैक, इफ दैट इज द राइट वर्ड. सो उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था 70s में, एंड आपको पता है उनको, स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था, एंड आई फेल्ट रियली बैड. एंड निकाल दिया गया था, और स्टीव जॉब्स ने फिर दूसरी कंपनी बनाई कॉल्ड नेक्स्ट. और जब 90s में जब एप्पल की कंपनी पूरी फेड अवे हो रही थी, उनको दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी, तो उन्होंने नेक्स्ट खरीद लिया था स्टीव जॉब्स की कंपनी, एंड दैट टू फॉर $5 million. लाइक लिटरली उसने खुद की कंपनी, उन्होंने खुद फाउंड किया था, एंड देन ही स्टार्टेड द अदर कंपनी, एंड देन वापस से उसने उसको बेच दिया. I was like, bro,
एंड इसमें इस बुक में ना इस चैप्टर के लास्ट में लिखा लाइक व्हाट वुड यू डू, मैं रोने बैठ जाती, ये भी रोने बैठ जाता, वो भी वही बोल रहा था उस बुक में. हैट्स ऑफ टू स्टीव जॉब्स, लाइक ही इज अ ग्रेट पर्सन यार, आई लव इट. लेकिन बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस बुक का, एंड उन्होंने बताया कि मैंने फिर पिक्सार स्टार्ट किया था और फिर वॉल्ट डिज्नी को पिक्सार बेचकर हाईएस्ट शेयर होल्डर बन गए थे वॉल्ट डिज्नी के. लाइक स्टीव जॉब्स योर बेस्ट लिटरली गाइस, जस्ट ही इज अमेजिंग. वो नेक्स्ट की स्टोरी सुनकर ना पागल हो गई. इट्स डे टू एंड आई एम ओनली लेफ्ट विद 60 मोर पेजेस ऑफ द बुक. आई हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड इट. सो बेसिकली नाउ इट जस्ट एंडेड अप इन अ वेरी स्वीट वे, जिससे वो चाहता था कि जो उसे एक फ्रेंड, जिसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए इतने दिन से परेशान था, फाइनली शी सेंड्स हिम अ फ्रेंड रिक्वेस्ट आस्किंग अबाउट हिज कंपनी, अबाउट द हुडीज विच ही इज प्लानिंग, अबाउट द टी शर्ट विच ही इज सेलिंग. सो वो धीरे धीरे फेमस हो रहा होता. उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मी भी इतने अच्छे से नहीं समझ पा रही होती है, बट शी इज सपोर्टिव. वो सपोर्ट करने लग जाती है, बट येट शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड. वो लोगों को बोलती है कि ही इज सेलिंग टी शर्ट. शी वॉज नॉट प्राउड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई थिंक शायद लोगों को समझने में टाइम लग रहा था, एंड ही वॉज द ओनली पर्सन जो बहुत खुश था, अपने सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहा था, एंड येट नाउ ही हैज लॉन्च्ड हिज बिजनेस. अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट हो चुका है उसका. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लास्ट 60 पेजेस क्या होता है, क्योंकि जनरली मैं जो भी बुक्स पढ़ती हूँ ना, उसका एंड हमेशा मुझे मतलब जस्ट मेक्स मी थिंक ऑफ द बुक. लेट मी सी, आई ऑलवेज सी आफ्टर इफेक्ट्स बुक खत्म होने के बाद. इफ आई थिंक समथिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक. सो आई एम लेफ्ट विद 60 मोर पेजेस. लेट्स सी वॉट एल्स इज गोना हैपन इन दिस बुक. सो स्टे ट्यून्ड. सॉरी मैंने लास्ट पार्ट फिल्म नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी लास्ट के 30 पेजेस पर. एज आई सेड कि लास्ट पार्ट मेरे को बहुत अमेज कर देता है, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी. आई वॉन्ट से इट्स अ वेरी ऑसम एंडिंग, बट इट्स अ वेरी क्यूट एंडिंग यार. एंड आई रियली बिंज्ड ऑन दिस बुक, तो मुझे इतनी अच्छी लगी दैट ही हैव सीन लॉट मेनी थिंग्स यार अपने लाइफ में. एंड येस ही किस्ड अ गर्ल, लाइक फाइनली, जिससे वो स्टार्टिंग से परेशान था, बट ड्यू टू हिज कंपनी किस्ड एंड ही हैज बिल्ड अ $1 billion कंपनी विद दैट अनु आंटी. सो अनु आंटी वो स्टिल सेइंग कि तुम MBA कर लो, एंड जब उसकी 1 billion की कंपनी हुई, आई वाज लाइक ब्रो ही नेल्ड इट. आई वाज लाइक एंड वाज गुड, आई वॉन्ट इट वॉज ऑसम, बट फॉर मी इट वॉज ऑसम बिकॉज आई बिंज्ड इट ऑन. So yeah, it's just awesome. Do give it a try, yaar. It's called How I Brave Anu Aunty and Co-Founder Million Dollar Company. And I just followed him on Instagram. Yes, great. And I just wish that I get a chance to meet Varun Agarwal. He's just awesome. I loved it. And I also want to meet Anu Aunty. Who is she? How can she judge someone like that? But okay, everyone has Anu Aunty in their life. But you have to ignore your Anu Aunty and work on your dreams like he did. Last mein ek line hai jahan pe wo bolta hai that at the same bar, at the same place where he was discussing his idea with his friend. And after a long time, after some time, he has today, he saw a person wearing his hoodie in the same place. So just he remembers all the things which he had done, like all the struggles, and yes, it paid off some or the other way. So that is very beautiful, yeah. We do achieve something today or tomorrow, just we have to take that first step and ignore the world, what exactly Varun did. And yeah, he's awesome. If you really have something and you don't want to listen to others, just don't, and work on your idea, go for it. I just gave you a lot of confidence. So yeah, I hope that this company goes a long, long, long way, and he writes lot many books.
So yeah, that's it. And there was this line written for this book, vibrant and inspiring, in the newspaper Times of India. So I think I got this book recommendation from the channel of YouTube called Read Travel Become. And thank you, Avdoot, I think that's his name. Thank you so much for recommending me, and not me, that video. Just grab this book out, yeah. You're gonna love it. If you even, you can enjoy, it's fiction. Sorry, it's not fiction, it's a real story. It's very relatable, it's very inspiring, it's very funny. It's very, you know, it's like everything is covered from whatever we faces, whatever we face in our life, everything is covered in this book. So that's it, I've talked a lot. So finally I completed my reading vlog. I hope you like the vlog. If you like it down, please like it down, share it with your friends and family. Also comment down below, did you like it, and do you want to make other vlog, do you want me to make other reading vlogs or any other vlogs? I'll be very, very, very happy to make it. This was fun, like sharing each and every bit with you guys. It was awesome. So yeah, also subscribe to my channel, press the bell icon. Till then, have a great life.